जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो हमेशा ही सुर्खियों में रहती है। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक तस्वीर पॉजिटिव भी है, लेकिन कई सारे पत्रकार जो हैं वो दिखाना नहीं चाहते। लेकिन अगर एक कर्मचारी पुलिस का आराम कर रहा है तो उसकी वीडियो को वायरल करके अपनी टीआरपी के चक्कर में वो ये चीज़ें कर रहा है कि हमने तो पुलिस की ये कर ली वायरल और अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन एक तस्वीर ये भी है, जम्मू में इस वक्त मौजूद हैं, गर्मी का दिन है और ये तमाम पुलिस कर्मचारी जो हैं अपना काम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक नाका नहीं है जम्मू का, बल्कि बहुत सारे इस वक्त हम घुमट के नाके के बीच में हैं। यहाँ पर गुरुद्वारा नीचे है, जब आप यहाँ से ऊपर जाते हैं तो केसी प्लाजा, रघुनाथ बाज़ार, रघुनाथ मंदिर जो है वो पड़ता है। अभी ये जो पुलिस कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या इनमें से कोई भी आपको नज़र आ रहा है आराम करते हुए? या जो ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो चालान कर रहे हैं और अन्य ऑफिसर जो मौजूद हैं, क्या ये आराम करते हुए नज़र आ रहे हैं? लेकिन अगर एक पुलिस कर्मचारी आराम फरमा रहा है, आराम कर रहा है अपनी ड्यूटी के बाद, हो सकता है उसका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो गया हो या कोई और प्रॉब्लम हो, लेकिन हमें तो टीआरपी के चक्कर में बहुत सारे व्यूज़ लेने हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, अगर आप जम्मू पुलिस की सराहना कर नहीं सकते तो आप जम्मू कश्मीर पुलिस की क्रिटिसाइज करना भी बंद करें। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, वही सवाल दिल में आता है कि क्या हमने आज तक काम करते हुए पुलिस कर्मचारी को पानी का एक गिलास ऑफर किया है या नहीं? और दिल से अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं किया होगा तो भी आपको पता होगा। इस वक्त 15 अगस्त का एक महीना बचा है, 15 अगस्त आ रहा है, तमाम पुलिस कर्मचारी काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं, जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, पोल्यूशन है, उसके पास आरसी है, वो आराम से जा रहे हैं। लेकिन जिसके पास नहीं है वो यहाँ पर साफ से अपना चालान कटवा रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? अगर आप हीरो बनकर आएंगे, बिना हेलमेट के आएंगे, बिना डीएल के आएंगे, बिना पोल्यूशन के आएंगे, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि पुलिस कर्मचारी जो है आपको रोकना भी नहीं चाहिए, आपसे चालान भी नहीं होना चाहिए और वो आपसे सही तरीके से बात भी करना चाहिए। अभी ये जो पुलिस कर्मचारी बात कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ डॉक्यूमेंट्स चेक किए, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। ये भाई साहब को हम सलाम करते हैं कि इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और हेलमेट भी लगा है, तो आप आराम से जा सकते हैं। अगर आपके पास डीएल नहीं है तो क्या होगा? आपको पुलिस उठा के तो नहीं लेके जाएगी, आपका नॉर्मली एक चालान किया जाएगा, चालान होगा सामने सामने, आपने वो चालान भरना है और उसके बाद दोबारा वो चालान इसलिए भरा जाता है ताकि जब अमाउंट चालान का ज़्यादा हो आप नेक्स्ट टाइम ये चीज़ ना भूलें कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस साथ लेना है, आपको पोल्यूशन साथ रखना है, आपको गाड़ी के कागजात साथ रखने हैं। बहुत सारे एरियाज में पुलिस जो है अपना काम कर रही है, प्रशासन जो है अपना काम कर रही है और ये जो वीडियो साथ में चल रही है ये बाकी सारे इलाकों की है, विक्रम चौक की हो गई, त्रिकुटानगर की हो गई, गांधीनगर की हो गई। तो अब आप ही बताइए, अगर पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस के कर्मचारी जो हैं जब पॉजिटिव काम करते हैं तब हमारे पास वक्त नहीं होता उनका वो काम दिखाने के लिए, लेकिन अगर वो आराम कर रहे हैं तो हम क्यों उनको क्रिटिसाइज करने पे तुले हुए हैं? क्यों ना ऐसा हो, द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट और पुलिस मिलकर काम करें ताकि जम्मू कश्मीर को खूबसूरत और बेहतर बनाया जा सके और एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके। तो ये गाड़ियां जो यहाँ पर रुकी है, बाइक्स जो रुकी हुई हैं, काम हो रहा है, चेकिंग हो रही है, जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो जा रहा है और जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो अपना चालान करवाएगा, चालान कटेगा, वो चला जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस के साथ कोऑपरेट करें और पुलिस के साथ कोऑपरेट करें उसके बाद आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। और गर्मी है, माहौल गर्म है, थोड़ा दिमाग गर्म है, लेकिन कोई बात नहीं। उम्मीद यही की जा सकती है कि इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए हम आपको पुलिस का पॉजिटिव फेस जो है वो भी दिखा सकें ताकि आपको ये लगे कि पुलिस सिर्फ सोती नहीं है बल्कि वो काम भी करती है। इंग्लिश बूस्टर में खास क्या है? ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर मुमने उर्दू और कश्मीर तर्जुमे के साथ साथ एक कन्वर्सेशन किताब है। बच्चों को रटा लगा कर याद करने की ज़रूरत नहीं बल्कि इंट्रक्शन से ही उनकी स्पीकिंग एबिलिटी बूस्ट होती है। इसमें वही कंटेंट है जिसका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कलर प्रिंटिंग के साथ साथ तीन जुबानों में ग्रामर है। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रابطہ करें।